हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैन व्लॉगर चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मिसचीफ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ मिसचीफ। अब मिसचीफ होता क्या है, ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ये मिसचीफ जो है, ये ऑफेंस जो है, ये सेक्शन 425 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है, हूएवर विथ इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी और इन द सिचुएशन देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉयज और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू और यूटिलिटी और एफेक्ट्स इट इंजुरियसली कमिट्स मिसचीफ। इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब आता है हूएवर, कोई भी आदमी विथ इंटेंट टू कॉज, या फिर उसको लग रहा है, कोई भी आदमी जिसको लग रहा है कि वो जो भी एक्ट करने वाला है उससे दूसरे को रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, या फिर पब्लिक को डैमेज हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज हो सकता है, या फिर रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, और क्या हो सकता है, विच कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन प्रॉपर्टी और इन द सिचुएशन देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉयज और डिमिनिशेज इट्स वैल्यू, उसका उस प्रॉपर्टी का वैल्यू घटा देगा अगर वो सच एंड सच एक्ट किया तो, उसको हम लोग कहेंगे मिसचीफ। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। पहला एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। ऐसा जरूरी नहीं है, ये इट इज नॉट इन एसेंशियल कि जो ऑफेंस ऑफ मिसचीफ है उसके लिए जो ऑफेंडर है, जो कमिट कर रहा है द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, उसके पास इंटेंशन वैसा होना चाहिए कि वो दूसरे का प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, या फिर दूसरे पर्सन या दूसरे पब्लिक को इंज्योर कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज सफिशियंट इफ ही इंटेंड्स टू कॉज, ये सफिशियंट रहेगा अगर उसको लग रहा, उसको खुद से लग रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इससे दूसरे को इफेक्ट होगा रॉन्गफुली, दैट इज उसको रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको जब खुद से लग रहा है वो इट सफिशियंट है। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन टू, मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। मिसचीफ द और एक केस में कमिट किया जा सकता है, जब जो आदमी कमिट कर रहा है वो अपने प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, या फिर दूसरे के प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, जो या फिर जॉइंटली, मतलब हुआ कि कोई जॉइंट ओनर है उसके प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, या फिर जो डैमेज कर रहा ऑफेंडर है वो उसके साथ एक और उसका पार्टनर है, तो उन दोनों का प्रॉपर्टी का वो खुद डैमेज कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। अपन लोग आते हैं इलस्ट्रेशन पे, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो पहला आता है, ए वॉलंटरीली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, सारे ही सिंपल एग्जाम्पल आपको समझने में बहुत आसान होगा। ए वॉलंटरीली, ये जानता है कि अगर मैं जेड का ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी जला दूंगा तो उसका रॉन्गफुल लॉस होगा, तो वो वही करता है, वो उसका वैल्यूएबल सिक्योरिटी जला देता है जिससे जेड का रॉन्गफुल लॉस हो जाता है, तो इसमें ए ने मिसचीफ कमिट किया। सेकेंड एग्जाम्पल, ए इंट्रोड्यूसेस वाटर टू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड एंड दस कॉजेज द आइस टू मेल्ट इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड। इसमें सेम हाल है कि ए वाटर ले, पानी ले जाता है आइस हाउस में, वहाँ पे पानी डाल देता है, बर्फ सारा पिघल जाता है, तो जेड का जितना भी बर्फ का सपोजिटली इंडस्ट्री था तो वो सारा पिघल गया, तो उसका लॉस हो गया, तो इसलिए यहाँ इस केस में भी ए ने मिसचीफ कमिट किया है। हम लोग अब लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज ए वॉलेंटरीली थ्रोज इन टू अ रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ए इसमें क्या करता है, वो वॉलेंटरीली जेड का कोई एक रिंग लेता है और नदी में फेंक देता है, उसके पास ऐसा इंटेंशन है कि अगर वो उसको उस प्रॉपर्टी को फेंक देगा तो जेड का रॉन्गफुल लॉस होगा, उसे शायद उसको मजा आएगा, तो यहाँ पे ए ने मिसचीफ कमिट किया है।
अब हम लोग जानते हैं अगर कोई मिसचीफ कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट क्या दिया जाता है। तो ये पनिशमेंट जो है सेक्शन 426 में बताया गया है। इसमें लिखा है Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both। तो जो कोई भी mischief commit करता है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जिसका पीरियड जो है कि कब तक वो जेल में रहे वो एक्सटेंड हो सकता है 3 महीने के लिए, या फिर उसको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों, दैट इज उसको जेल में भी रहना पड़ सकता है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिस्चिव विथ पनिशमेंट। तो यहाँ पे 14 तरह के मिस्चिव हो सकते हैं टाइप्स, तो ये सेक्शन 427 से लेके सेक्शन 440 तक बताए गए हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एक सब हेड्स मैंने लिख के रखा है, उस सब के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताता जाऊँगा। ये सारा 1 से लेके 14 तक जो है सारा 427 से लेके 440 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले में आते हैं मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। इसमें लिखा है इस सेक्शन में, ये सेक्शन 427 है, हूएवर कमिट्स मिसचीफ एंड देयर बाय कॉजेज लॉस और डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज और अपवर्ड्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो इसमें लिखा है कि कोई भी आदमी जो मिस्चिफ कमिट करता है और जिसके कारण लॉस होता है दूसरे आदमी को, लॉस या डैमेज, और अगर उसका लॉस और डैमेज का जो भी अमाउंट है अगर वो 50 रुपीज हो या फिर उससे ज़्यादा का वैल्यू होता है, तब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा जिसका पीरियड होगा, मतलब जो उसको जेल में डाल दिया जाएगा जिसका पीरियड होगा 2 साल, और साथ ही साथ उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये हो गया पहला केस। सेकेंड केस सेक्शन 428, मिस्चिफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। तो इसमें लिखा है हूएवर कमिट्स मिस्चिफ बाय किलिंग पॉइजनिंग मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल और एनिमल्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज और अपवर्ड्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो इसमें लिखा है इस सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 428, कि कोई भी आदमी जो मिस्चीफ कमिट करता है बाय किलिंग, किसी जानवर को मार के या फिर उसको मेम करके या फिर उसको जहर दे के मारता है, मेम करता है, अगर उस एनिमल का 10 रुपीज या उससे ज़्यादा का वैल्यू है अगर उस एनिमल का, तब उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा जिसका पीरियड एक्सटेंड हो सकता है 2 साल तक का, और उसको साथ ही साथ फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सेक्शन 429। इसमें ये 3 नंबर पे लिखा हुआ है, आप जैसे कि आप देख सकते हो स्लाइड पे, मिस्चिफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल। तो ये 2 नंबर, दैट इज सेक्शन 428 और 429 में आपको ध्यान रखना है कि 428 में कोई भी एनिमल लिखा हुआ है, ओके, और 429 में क्या लिखा हुआ, कैटल लिखा हुआ। कैटल और एनिमल अलग अलग हो जाते हैं, एक्सेट्रा ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। इस सेक्शन में क्या बताया गया है, Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of 50 rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. तो इसमें कैटल में क्या क्या इंक्लूड होता है ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफेलो, बुल, काउ और ऑक्स। तो अगर कोई भी आदमी मिस्चीव कमिट करता है जिससे इन सारे एनिमल को लॉस होता है, दैट इज वो मिस्चीव कमिट करता है बाय किलिंग, उस पर्टिकुलर जानवर को मार देता है या फिर पॉइजन दे देता है, जहर दे देता है या मेम कर लेता है, तब उस आदमी को पनिश किया जाएगा अगर उस मारने से जो भी वैल्यू है अगर उसका 50 रुपीज़ हो या फिर 50 रुपीज़ से ज़्यादा हो उस पर्टिकुलर एनिमल का वैल्यू, तब उसको पनिश किया जाएगा बाय पुटिंग हिम इन जेल फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विथ फाइन और विथ बोथ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 430, दैट इज 4 नंबर में आपका लिखा हुआ है, मिस्चीफ बाय इंजुरी टू वर्क्स ऑफ इरीगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर।
इस सेक्शन में क्या लिखा है, इस सेक्शन में लिखा है हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय डूइंग एनी एक्ट विच कॉजेज और विच ही नोज टू बी लाइकली टू कॉज अ डिमिनूशन ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज और फॉर फूड और ड्रिंक फॉर ह्यूमन बींग्स और फॉर एनिमल्स विच आर प्रॉपर्टी और फॉर क्लीनलीनेस और फॉर कैरिंग ऑन एनी मैन्युफैक्चर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है दैट इज आप सब हेड से आप समझ पा रहे होगे कि अगर कोई मिसचीफ कमिट करता है बाय इंजरी टू द वर्क्स ऑफ इरिगेशन, कोई इरिगेशन कर रहा है तो उसमें पानी को गंदा कर दिया या फिर पानी का जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया, तब उसको उस पर्टिकुलर आदमी का जो पनिशमेंट होगा दैट इज 5 years तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है या और साथ ही साथ उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है या फिर दोनों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट दैट इज 5 नंबर पे, दैट इज मिसचीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड्स ब्रिज रिवर और चैनल। ये सेक्शन 431 में दिया गया है। ये सेक्शन कहता है हूएवर कमिट्स मिसचीफ बाय डूइंग एनी एक्ट विच रेंडर्स और विच ही नोज टू बी लाइकली टू रेंडर एनी पब्लिक रोड ब्रिज नेविगेबल रिवर और नेविगेबल चैनल नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्पैसेबल लेस सेफ फॉर ट्रेवलिंग और कन्वेइंग प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ। तो इसमें क्या लिखा है, इस सेक्शन में लिखा है कि कोई भी आदमी अगर मिसचीफ कमिट करता है बाय इंजूरिंग द पब्लिक रोड, किसी पब्लिक रोड को डैमेज करता है या फिर ब्रिज को डैमेज करता है या फिर कोई नेविगेबल रिवर जा रहा है या फिर नेविगेबल चैनल जा रहा है उसको डैमेज करता है डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको चाहे वो नेचुरल चैनल हो या फिर आर्टिफिशियल हो कोई भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को पनिश किया जा सकता है बाय पुटिंग हिम इन जेल, उसको जेल में डाल दिया जा सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years 5 साल तक उसको सजा हो सकता है जेल का और साथ ही साथ उसको फाइन भरना पड़ सकता है या फिर दोनों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट दैट इज सेक्शन 432, यहाँ पे 6 नंबर, मिसचीफ बाय कॉजिंग इनुडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू द पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विद डैमेज। इसमें लिखा है हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय डूइंग एनी एक्ट विच कॉजेज और विच ही नोज टू बी लाइकली टू कॉज एन इनुडेशन और एन ऑब्स्ट्रक्शन टू एनी पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विद इंजुरी और डैमेज shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। तो इसमें यह लिखा है कि कोई भी आदमी अगर mischief commit करता है by doing any act, कोई भी act जिससे क्या होता है which causes या फिर उसको पता है कि ये act करने से, ये certain act करने से ये damage हो सकता है, damage like obstruction to the public drain, कोई public जो drain जाता है उसको अगर कोई obstruct कर देता है by any means बाय मिसचीफ अगर बोला जाए तो हम लोग कहेंगे कि उसने मिसचीफ कमिट किया है बाय ब्लॉकिंग द और ऑब्स्ट्रक्टिंग द पब्लिक ड्रेनेज और उससे क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, सारा गंदगी है सब रास्ते पे आ जा रहा है। तो इस केस में भी 5 years तक का आपको सजा हो सकता है, 5 साल तक और उसको फाइन भरना पड़ सकता है या फिर दोनों। अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर की, दैट इज मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग मूविंग और एंडिंग लेस यूजफुल लाइट हाउस और सी मार्क। तो इस सेक्शन में क्या लिखा है, इस सेक्शन में लिखा है, ये सेक्शन 433 में डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन कहता है हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी लाइट हाउस और अदर लाइट यूज्ड एज अ सी मार्क और एनी सी मार्क और बुए और बुओ और अदर थिंग प्लेस्ड एज अ गाइड फॉर नेविगेटर्स और बाई एनी एक्ट विच रेंडर्स एनी सच लाइट हाउस सी मार्क और अदर सच थिंग एज एफोर्सेड लेस यूजफुल एज अ गाइड फॉर नेविगेटर्स शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विथ फाइन और विथ बोथ। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि अगर कोई मिसचीफ कमिट करता है बाई डूइंग दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर ए कोई भी लाइट हाउस का लाइट हो जाके डिस्ट्रॉय कर देता है
तो उससे क्या हो रहा है, जो भी जहाज में है या फिर जितने भी नौका चलाते हैं गहरे समुंदर में, उन लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर वो लोग नेविगेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा काम करता है बाय अगर कोई ऐसा मिसचीव कमिट करता है तो उसका पनिशमेंट होगा 7 ईयर्स तक, उसको जेल में रहना पड़ सकता है 7 साल तक, और साथ ही साथ उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है और विद बूथ। सिंपल है। अगर यहाँ तक आपको कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि बहुत सारे ये टाइप्स है मिसचीव के, तो आपको समझने में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आप धीरे धीरे पढ़ो सारा बेयर एक्ट से, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेयर एक्ट आप सामने खोल के बैठो उसी से आप पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा सारे सेक्शंस उसमें क्या लिखे हैं। ओके, और कहीं भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको अभी तक यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, कि आपको और जानने का उत्सुकता हो रहा हो कि आगे और कौन कौन से तरह के मिसचीफ है, तो आप लाइक कर दो ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 433 हो गया, अब सेक्शन 444 That is mischief by destroying or moving, etc. a landmark fixed by public authority. इसमें लिखा है whoever commits mischief by destroying or moving any landmark fixed by the authority of a public servant or by any act which renders such landmark less useful as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. अगर कोई आदमी मिस्चिफ कमिट करता है बाय डूइंग एनी एक्ट विच डिस्ट्रॉयज एनी लैंडमार्क, लैंडमार्क से ऐसा हो सकता है कि कोई किसी का मूर्ति है, किसी ग्रेट पर्सन का मूर्ति, अगर कोई आदमी उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है, डेमोलिश कर देता है, तब उसका जो पनिशमेंट होगा या तो डिस्ट्रॉय करता है या फिर उस पर्टिकुलर लैंडमार्क को जो फिक्स्ड है पब्लिक अथॉरिटी ने उसको फिक्स किया है, अगर उस पर्टिकुलर लैंडमार्क को उसको या तो डिस्ट्रॉय करता है या फिर उस जगह से हिला देता है, मूव करके कहीं और ले जाता है, तो उस तरह के मिस्चीफ को जो लोग भी कमिट करता है उसका पनिशमेंट होगा कि उसको 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है या फिर उसको फाइन भरना पड़ सकता है या फिर दोनों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज मिस्चीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस with intent to cause damage to amount of 100 in case of agricultural produce 10 rupees. ये section 435 में define किया गया है या फिर बताया गया है। ये section कहता है whoever commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property to the amount of 100 rupees or upwards, or where the property is agricultural produce 10 rupees or upwards shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine. ये सेक्शन क्या कहता है, whoever commits mischief, कोई भी आदमी जो mischief commit करता है by using fire or any explosive substance to cause और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है बाय यूजिंग फायर और नहीं और कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज करके टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 100 और अपवर्ड, और साथ ही साथ अगर वो कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर जला देता है या फिर एक्सप्लोसिव से उड़ा देता है या फिर समथिंग लाइक दैट, और उसका जो अमाउंट होगा वैल्यू अगर 10 रुपये से ज़्यादा हुआ तो उन दोनों का पनिशमेंट एक ही होगा, दैट इज़ उसको 7 ईयर्स तक, उसको 7 साल तक उसको जेल में काटना पड़ सकता है या फिर फाइन भरना पड़ सकता है। ओके, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 436, दैट इज मिस्चीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउसेस। ये आपको नाम से पता चल जा रहा है कि अगर कोई मिस्चीफ कमिट करता है With the intention to commit, ये आपको सेक्शन का जो लिखा हुआ है दैट इज मिस्चीफ जो हेडिंग है, सब टाइटल आप बोल सकते हो, सब हेड बोल सकते हो, सब हेडिंग, तो उसमें जो लिखा हुआ है मिस्चीफ बाय, अगर कोई मिस्चीफ कमिट करता है बाय यूजिंग फायर, अगर आग को यूज करके या फिर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को यूज करके विद इंटेंशन कि वो किसी घर को डिस्ट्रॉय कर दे, तब उसका पनिशमेंट क्या होगा। उसका पनिशमेंट सिंपल सा आएगा, 10 साल तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है या फिर उसको
ला पूरा जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है या फिर उसको फाइन भरना पड़ सकता है, ये सेक्शन 436 में बताया गया है। सिंपल सा है। अब हम लोग आते हैं मिस्चीफ विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ डेकेड वेसल और ऑफ 20 टन्स बर्डन। इसमें क्या लिखा है, हूएवर कमिट्स मिस्चीफ टू एनी डेकेड वेसल, कोई भी वेसल कोई भी जहाज इसका डेक है, और एनी वेसल ऑफ अ बर्डन ऑफ 20 टन्स और अपवर्ड्स इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय रेंडर अनसेफ और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय डिस्ट्रॉय रेंडर unsafe that vessel shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सेक्शन 47 में बताया गया ये कि कोई भी आदमी अगर mischief commit करता है टू एनी डेकेड vessel, जो भी vessel जो भी जहाज उसका डेक है उस पर अगर कुछ रख देता है या फिर उसको पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय करता है या फिर 20 टन से ज़्यादा कुछ रख देता है उसके ऊपर, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि वो जहाज डूब जाए या फिर डैमेज हो जाए उस जहाज को, तब अगर 20 टन से ज़्यादा है तब तब का पनिशमेंट है कि उसको 10 साल तक जेल में काटना पड़ सकता है या फिर उसको और उसको साथ ही साथ फाइन भी भरना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 438 में। अब ये खत्म हो रहा है, यहाँ तक अगर आपको कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने आपको 427 से लेकर 437 तक बताया, 10 सेक्शंस मैंने आपको डिस्कस किए। उससे पहले भी मैंने आपको जब बता रहा था कि ये मिस्चीफ होता क्या, पनिशमेंट होता क्या मिस्चीफ का विद इलस्ट्रेशन, अगर वो कहीं भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब लोग आते हैं 438 में, पनिशमेंट फॉर द मिस्चीफ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 437 कमिटेड बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। हूएवर कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस सच मिस्चीव एज इज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसमें क्या लिखा है, पनिशमेंट फॉर द मिस्चीफ जो सेक्शन 437 में लिखा हुआ है, 437 में आपको क्या बताया था, मिस्चीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ डेकेड वेसल और वन ऑफ 20 टन्स बर्डन, अगर यही केस अगर ले लिया जाए बट विद मिस्चीफ विद और यूजिंग फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को लेकर अगर बोला जाए तब उसका पनिशमेंट क्या होगा, उसको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है या फिर उसको 10 साल तक सजा काटना पड़ सकता है जेल में या फिर उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 439, पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अग्राउंड और एश्योर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट एक्सेट्रा। Whoever intentionally runs any vessel aground or ashore intending to commit theft of any property contained therein or to dishonestly misappropriate any such property or with intent that such theft or misappropriation of property may be committed shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है अगर कोई आदमी इंटेंशनली किसी भी रनिंग वेसल कोई भी जहाज है उसको एकदम बीच पे ले आया, जमीन पे ले आया, एश्योर कर दिया, पानी से हटा के एकदम मतलब एकदम फुल एक्सलेशन दे के एग्राउंड कर दिया, तब या तो विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। Whoever intentionally runs any vessel or ashore intending to commit theft, अगर कोई theft commit करने की intention से उसको ashore किया है, of any property contained therein, उसके अंदर जो भी property उसको चोरी करने के लिए या फिर कोई भी property उसको misappropriate करने के लिए, तब उसका जो सजा होगा that is उसको 10 years तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है, that is 10 साल तक उसको जेल में काटना पड़ सकता है और उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट टाइप ऑफ मिस्चीफ, दैट इज मिस्चीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट। सेक्शन 440 बताता है कि हूएवर कमिट्स मिस्चीफ, कोई भी आदमी जो मिस्चीफ कमिट करता है हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट, उसने प्रिपरेशन कर लिया, जो भी ऑफेंडर उसने प्रिपेयर कर लिया कि दूसरे आदमी को हर्ट पहुंचाने जा रहा है या फिर मारने जा रहा है, जान से मारने जा रहा है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट और ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट
शैल बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, और उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो ये सेक्शंस मैंने आपको बता दिए, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 427 टू सेक्शन 440, जो भी इसका टाइप्स है विद देयर पनिशमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट ऑफ मिस्चीफ, और उसके साथ ही साथ जितने टाइप्स है मिस्चीफ के विद देयर पनिशमेंट। और कहीं भी डाउट आता है किसी भी टाइप्स में, इतने सारे सेक्शन मैंने आज डिस्कस किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।